नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो और XUV 500 की तुलना करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी SUV बेहतर है, किसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, किसका माइलेज अच्छा है, किसकी कीमत कम है, कौन सी SUV ज़्यादा कम्फर्टेबल है इत्यादि। तो पेश है SUV वर्सेज स्कॉर्पियो का कंपेरिजन वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। स्कॉर्पियो के नए टॉप एंड वेरिएंट S11 टू व्हील ड्राइव की कीमत है 17.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। XUV के टॉप एंड टू व्हील ड्राइव मैनुअल मॉडल W10 की कीमत है 20 लाख रुपए, जो स्कॉर्पियो S11 से 2.5 लाख रुपए महंगी है। XUV W10 स्कॉर्पियो S11 से महंगी जरूर है, लेकिन उसमें स्कॉर्पियो से कई ज्यादा फीचर्स भी उपलब्ध हैं, जैसे साइड एंड कर्टेन एयरबैग, ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एंड्रॉइड ऑटो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर, पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। स्कॉर्पियो के टॉप एंड फोर व्हील ड्राइव मॉडल S11 की कीमत है 19 लाख रुपए ऑन रोड। तो दोस्तों, बात करते हैं माइलेज की। स्कॉर्पियो का ARAI माइलेज है 16.2 किलोमीटर प्रति लीटर, वहीं XUV का मैनुअल गियर मॉडल का माइलेज है 16 किलोमीटर प्रति लीटर। हमारे विश्लेषण के दौरान दोनों गाड़ियों के माइलेज में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। XUV ऑटोमेटिक का ARAI माइलेज है 13.9 किलोमीटर प्रति लीटर। दोस्तों, बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। स्कॉर्पियो के S11 और S7 मॉडल में और XUV के सारे मॉडल्स में 140 हॉर्स पावर वाला 2200cc का इंजन मौजूद है। बस XUV के टॉर्क आउटपुट स्कॉर्पियो से 10 Nm ज्यादा है। दोनों गाड़ियों के वजन में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इस वजह से दोनों का पिकअप लगभग एक जैसा है। स्मूथनेस के मामले में XUV स्कॉर्पियो से थोड़ी सी बेहतर है। XUV में 6-speed टॉर्क कन्वर्टर टाइप का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मौजूद है, जो काफी स्मूथ है, लेकिन गियर बदलने में उतना तेज नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। XUV स्कॉर्पियो से थोड़ी सी लंबी और चौड़ी गाड़ी है, लेकिन स्कॉर्पियो XUV से काफी ऊंची है। कहने के लिए दोनों गाड़ियां 7-seater हैं, लेकिन उनकी सबसे पिछली सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप स्कॉर्पियो का फ्रंट फेसिंग थर्ड रो सीट वाला पर्याय भी चुनते हैं, तो उसमें भी पर्याप्त नी रूम, लेग रूम और अंडर थाई सपोर्ट मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, इनकी थर्ड रो सीट पिछले पहियों के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण उस पर बैठे हुए यात्रियों को तीव्र झटके लगते हैं, और अगर आप 7 यात्रियों को गाड़ी में बिठाते हैं तो उनका सामान रखने के लिए गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। 5 यात्रियों के लिए दोनों ही गाड़ियों में बेहतरीन जगह उपलब्ध है और तकरीबन 600 लीटर का बूट स्पेस भी आपको मिल जाती है। रही बात इंटीरियर्स की, तो XUV के इंटीरियर्स स्कॉर्पियो से बहुत ज़्यादा आधुनिक और आकर्षक भी लगते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। स्कॉर्पियो और XUV की पकड़ और नियंत्रण में जमीन आसमान का फर्क है। उनमें एक मूलभूत फर्क यह है कि XUV आधुनिक मोनोकैक प्रकार के चेसिस पर आधारित है और स्कॉर्पियो पुरानी लैडर फ्रेम चेसिस पर। दोनों गाड़ियों के वजन लगभग एक समान है, लेकिन स्कॉर्पियो XUV से काफी ऊंची है। इस वजह से उसका CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी XUV से काफी ऊंचा है। इसके कारण उसमें बॉडी रोल यानी कि दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति XUV से बहुत ज्यादा है। वह तेज रफ्तार पर मोड़ लेते वक्त XUV जैसी पकड़ नहीं बनाए रखती है। XUV से काफी कम रफ्तार पर उसे फिसलने लगती है। कई बार स्कॉर्पियो का आक्रामक रूप देख के लोगों को ऐसी गलतफहमी रहती है कि वह कच्चे रास्तों के लिए अच्छी रहेगी, बट असल में ऐसा बिल्कुल उल्टा है। XUV गड्ढों को स्कॉर्पियो से बेहतर सोख लेती है और खुरदरी सड़कों पर यात्रियों को स्कॉर्पियो से कम झटके पहुंचाती है। मगर स्कॉर्पियो में एक फायदा जरूर है कि वह रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, इसलिए फ्रंट व्हील ड्राइव वाली XUV से कीचड़ और मिट्टी में अच्छी पकड़ बनाए रखती है। दोस्तों, बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। महिंद्रा की गाड़ियां गुणवत्ता के मामले में आज भी अन्य उत्पादकों से काफी पीछे हैं। JD पावर IQS यानी कि इनिशियल क्वालिटी सर्वे जैसे सर्वेक्षण में अभी भी महिंद्रा की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिगाड़ पाए जाते हैं। महिंद्रा के सर्विस सेंटर की कारीगरी और व्यवस्था के मामले में मार्केट के अन्य प्रतिस्पर्धियों की बराबरी नहीं कर पाए हैं, लेकिन महिंद्रा का पिछले 5-10 सालों में स्कॉर्पियो और XUV के कई सारे मूलभूत बिगाड़ मिटा दिए हैं, इसलिए वह उनकी TUV और KUV जैसी नई गाड़ियों जितनी अविश्वसनीय नहीं है। XUV के स्पेयर पार्ट्स का खर्चा स्कॉर्पियो से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में XUV समकालीन स्कॉर्पियो से थोड़ी सी बेहतर कीमत जरूर दिलाएगी। दोस्तों, अब समय हो चुका है अंतिम निर्णय का। अधिकतर ग्राहकों के मन में दो गलत फहमियां होती हैं। एक तो उनको लगता है कि स्कॉर्पियो XUV से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली और सुरक्षित गाड़ी है, दूसरी कि वह स्कॉर्पियो से काफी महंगी गाड़ी होगी। लेकिन असलियत तो यह है कि ना स्कॉर्पियो XUV से ज्यादा सुरक्षित है और ना ही XUV से सस्ती है।
एक तो स्कॉर्पियो 1800 किलो के होने के बावजूद आज भी क्रैश टेस्ट में पास नहीं हो पाई है। ऊपर से आपने देखा है कि एसयूवी के सेकंड टॉप वेरिएंट में भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं जो टॉप एंड एसयूवी में भी नहीं मिलते। एसयूवी स्कॉर्पियो से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित गाड़ी है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, एसयूवी W9 टॉप एंड स्कॉर्पियो S11 से 1 लाख रुपये महंगी जरूर है, लेकिन उसमें स्कॉर्पियो से ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध हैं। रिसेल वैल्यू स्कॉर्पियो से थोड़ी सी बेहतर है। लंबी दौड़ में वह आपको स्कॉर्पियो S11 से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी। ऊपर से एसयूवी की पकड़, उसका संतुलन, उसका सस्पेंशन, कंफर्ट, उसके इंटीरियर सभी स्कॉर्पियो से साफ साफ बेहतर हैं। तो दोस्तों, इसीलिए एसयूवी 500 इस हमारी तुलना की विजेता है। अगर आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो या एसयूवी 500 की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें, हमारे लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।